चलिए तो आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी एग्जाम्पल का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जिसमें जो क्वेश्चन हैं बेसिकली वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन 6x-3y+10 इज इक्वल टू 0 एंड 2x-y+9 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स टू लाइन्स विच आर इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, कोइंसिडेंट, पैरेलल। अब हमें यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है, अगर हम उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें बताना है कि वो दोनों लाइन एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी या दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी या दोनों लाइन कोइंसिडेंट होंगी या फिर पैरेलल होंगी। ओके, अब देखिए अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम जो टू वेरिएबल वाली स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती है उससे हम कंपेयर करें, क्या होती है वो इक्वेशन a1x+b1y+c1 = 0, a2x+b2y+c2 = 0। अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तो जो x का कोएफिशिएंट है पहली इक्वेशन में, जो x का कोएफिशिएंट है वो क्या होगा a1, y का कोएफिशिएंट क्या है b1, कांस्टेंट टर्म क्या है c1। इसी तरह दूसरी इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है वो क्या होगा a2, y का कोएफिशिएंट b2 और कांस्टेंट टर्म क्या होगा c2। अब ये आप अच्छे से जानते हैं कि अगर a1 upon a2 is not equal to अगर b1 upon b2 मिलता है अगर हमें, ओके, तो इस केस में क्या होगा, लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। ओके, यानी इस केस में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ओके, तो इस केस में हमें कैसा मिलेगा, एक सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। इसी तरह से अगर a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to अगर c1 upon c2, अगर हमें ऐसा मिल रहा है तो इस केस में लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। ओके, तो दोनों लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, और लाइन अगर पैरेलल है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो नो सॉल्यूशन। इसी तरह से अगर a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, ये तीनों ही रेशो इक्वल आते हैं तो लाइन कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी, दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ओके, कोइंसिडेंट होंगे इसका मतलब यहाँ पे इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे हमें। ओके, तो इस केस में मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे। हम क्वेश्चन पे आते हैं तो देखिए यहाँ पर अगर a1 upon a2 की बात करें तो 6 upon 2 यहाँ मिल रहा है 6 upon 2, b1 upon b2 की बात करें तो -3 upon -1, ओके, -3 upon -1, c1 upon c2 10 upon 9। अगर ध्यान दें तो ये देखिए कितना हो रहा है, 6 upon 2 कितना मिल जाएगा 3, और ये माइनस से माइनस कैंसिल होकर ये भी कितना मिल रहा है 3, यानी a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2 बट नॉट इक्वल टू c1 upon c2। ओके, इसका मतलब इनमें से कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, ये सेकंड कंडीशन ही सेटिस्फाई कर रही है, a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2 बट नॉट इक्वल टू c1 upon c2। तो इस केस में लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, नो सॉल्यूशन होगा, यानी जो हमारा ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द पेयर ऑफ इक्वेशंस x+2y+5 इज इक्वल टू 0 एंड -3x-6y+1 इज इक्वल टू 0 हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं और हमें बताना है कि उन दोनों इक्वेशंस की वजह से हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा या फिर टू सॉल्यूशंस मिलेंगे या इनफाइनली मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे या फिर नो सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, यहाँ पर भी देखिए अगर मैं a1 upon a2 निकालूँ तो a1 upon a2 इज इक्वल टू क्या होगा 1 upon -3। ओके, तो ये आ गया 1 upon -3, दैट मीन्स कितना -1 upon 3। b1 upon b2 अगर हम निकालें तो देखिए कितना हो जाएगा 2 upon -6। ओके, 2 upon -6 इसका मतलब कितना -1 upon 3। इस तरह अगर हम c1 upon c2 निकालते हैं तो देखिए वो कितना मिल रहा है हमें 5 upon 1। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2, तो ये तो इक्वल है बट नॉट इक्वल टू c1 upon c2। ओके, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये दोनों लाइन्स है वो कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है।
ये किसकी कंडीशन है, जबकि लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, दोनों लाइन पैरेलल हैं, और अगर लाइन पैरेलल हैं तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो नो सॉल्यूशंस, ओके। इसका मतलब इसका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन है, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस विल बी पैरेलल, ऑलवेज कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, ऑलवेज इंटरसेक्टिंग। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है हमें कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसी हैं, कंसिस्टेंट है, तो वो लाइंस कैसी होंगी, दोनों लाइंस पैरेलल होंगी या हमेशा वो कोइंसिडेंट करेंगी या इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट होंगी या फिर हमेशा इंटरसेक्टिंग होगी वो लाइन। तब देखिए कंसिस्टेंट का मतलब क्या था, कंसिस्टेंट का मतलब है कि हमें एटलीस्ट वन सॉल्यूशन मिलना चाहिए। अब या तो वो यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है या फिर इनफाइनली मेनी सॉल्यूशन भी मिल सकते हैं हमें, ओके। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है इसका मतलब लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, और इनफाइनली मेनी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, एक से ज़्यादा अगर सॉल्यूशन मिल रहे हैं तो लाइन कैसी होना चाहिए, कोइंसिडेंट होना चाहिए। इसका मतलब जो ऑप्शन सी है वो इसका करेक्ट होगा, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, ओके। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -7 हैज वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अब हमें यहाँ दो इक्वेशन दी हुई, एक y इज इक्वल टू 0, दूसरी y इज इक्वल टू -7। तो हमें बताना है इन इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन होगा या दो सॉल्यूशंस होंगे या फिर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होंगे या फिर नो सॉल्यूशन होगा। अगर आप ध्यान दें तो y इज इक्वल टू 0 ये किसकी इक्वेशन है, ये x एक्सिस की इक्वेशन है, ओके। ये हमें x एक्सिस की इक्वेशन दी हुई है, और y इज इक्वल टू -7 पैरेलल टू x एक्सिस किसी लाइन की इक्वेशन दी हुई है। y इज इक्वल टू -7 क्या हो जाएगी, पैरेलल टू x एक्सिस, है ना, ये किसी लाइन की इक्वेशन गिवन है। तो अगर ये देखिए ये x एक्सिस की इक्वेशन थी, ये हमारी सपोज y एक्सिस है, ये x एक्सिस की इक्वेशन है और उसके पैरेलल y इज इक्वल टू -7 x एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन की इक्वेशन है। तो इसका मतलब दोनों लाइन कैसी होंगी, ये पैरेलल लाइन होंगी, अगर पैरेलल लाइन है तो नो सॉल्यूशन, ओके। अगला क्वेश्चन लेते हैं, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स लाइंस विच आर पैरेलल इंटरसेक्टिंग एट b a, कोइंसिडेंट इंटरसेक्टिंग एट a b। अब देखिए यहाँ पर दो लाइंस दी हुई है हमें, x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b। हमें बताना कि ये दोनों लाइन किसी पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी या फिर दोनों लाइन b a पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी या फिर a b पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, ओके। अब देखिए इसको हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सपोज ये हमारी x एक्सिस हो गई, ये हमारी x एक्सिस है, ये होगी y एक्सिस, ओके। इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, ओरिजिन। अब x इज इक्वल टू a, ये जो लाइन है ये हमें मालूम है कि ये पैरेलल टू y एक्सिस होगी, ओके। तो x इज इक्वल टू a लाइन कहाँ मिलेगी हमें, पैरेलल टू y एक्सिस। सपोज ये वो लाइन है, कौन सी लाइन है, ये x इज इक्वल टू a, और ये ओरिजिन से कितनी यूनिट डिस्टेंस पर होगी, a यूनिट डिस्टेंस पर होगी, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a, ओके। इसी तरह जो y इज इक्वल टू b है, ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगी और ये ओरिजिन से b यूनिट डिस्टेंस पर होगी, तो सपोज ये वो लाइन होगी, ओके, y इज इक्वल टू b, और ये ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, b यूनिट डिस्टेंस पर है। अब ये दोनों लाइन देखिए इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस पॉइंट के क्वाड्रेंट क्या हो जाएंगे, ये देखिए x x, यहाँ पर x क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा a, और y क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा b, ये b यूनिट डिस्टेंस है तो ये भी b होगा, ओके। तो इस पॉइंट के क्वाड्रेंट कितने हो जाएंगे, a कॉमा b, तो a कॉमा b पर ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, ओके। इसका मतलब जो ऑप्शन d है हमारा इंटरसेक्टिंग एट ए बी, ये हमारा करेक्ट होगा। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशंस 3x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस के वाई इज इक्वल टू माइनस 16 रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। फर्स्ट ऑप्शन है 1/2, सेकंड है -1/2, थर्ड ऑप्शन है 2, फोर्थ ऑप्शन है -2, ओके। हमें बताना है कि ये दोनों इक्वेशंस k की किस वैल्यू के लिए कोइंसिडेंट करेंगी, ओके, दोनों लाइन कोइंसिडेंट होंगी। तो देखिए अब कोइंसिडेंट की हमें कंडीशन पता है, k1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं a1 अपॉन a2 यानी 3 अपॉन 6, ओके। देखिए 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 -1 अपॉन -k, -1 अपॉन -k इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब यहाँ ध्यान हमें ये रखना है कि देखिए यहाँ c1 कितना है, 8 है,
ये इसको हमने C1 को इज इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड पे लिया, तो यहाँ भी ये लेफ्ट हैंड साइड पे ही होना चाहिए। ओके तो इसको हम ट्रांसफर करके इस तरफ ले आएंगे तो प्लस 16 हो जाएगा। ओके तो C1 अपॉन C2 कितना हो जाएगा, 8 अपॉन 16। तो देखिए ये कितना हो गया, ये 1 बाई टू इज इक्वल टू माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई के इज इक्वल टू 1 बाई टू। ओके ये 1 बाई टू इक्वल आ रहा है, यानी ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। और ये तभी होगा जबकि के की वैल्यू कैसे होना चाहिए, के इज इक्वल टू टू। सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे हम, के इज इक्वल टू टू। हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पर, ऑप्शन सी, के इज इक्वल टू टू। चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ द लाइंस गिवन बाय 3x प्लस 2ky इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर पैरेलल, देन द वैल्यू ऑफ k इज, फर्स्ट ऑप्शन है माइनस 5/4, सेकंड है 2/5, थर्ड है 15/4, फोर्थ ऑप्शन है 3/2। ओके तो हमें दो इक्वेशन गिवन है, 3x प्लस 2ky इज इक्वल टू 2 और दूसरी इक्वेशन दी है 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और ये लाइन दोनों कैसे बोल दिया है कि पैरेलल है। ओके तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब अगर लाइन पैरेलल है तो हमें कंडीशन पता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ओके तो देखिए यहाँ पर a1 अपॉन a2 कितना है, 3 अपॉन 2। ओके तो ये आ गया 3 अपॉन 2 ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू 2k अपॉन 5। ओके देन सी वन अपॉन सी टू, अब यहाँ पर देखिए ये राइट साइड में दिया, इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर ले तो कितना हो जाएगा, माइनस टू। तो ये आ जाएगा माइनस टू अपॉन वन। ओके अब हमारी कंडीशन क्या है, ए वन अपॉन ए टू, कंडीशन हमारी है ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। ओके तो यहाँ पर देखिए ए वन अपॉन ए टू कितना है, 3/2 है और सी वन अपॉन सी टू कितना है, माइनस टू है, तो ये तो इक्वल है नहीं। ओके अब हमें यहाँ से के की वैल्यू निकालना है, तो हम यहाँ से के की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, 5 3 15 और ये 2 यहाँ आ जाएगा 4 हो जाएगा, तो के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 अपॉन 4। ओके k इज इक्वल टू 15 अपॉन 4, ये हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एट्थ क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन सी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 विल हैव इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन इज, फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकंड है माइनस 3, देन माइनस 12 एंड नो वैल्यू। ओके तब देखिए यहाँ पर दो इक्वेशन हमें क्या दिए, cx माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, और क्या बोल रहा है, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। अब इसके लिए कंडीशन हमें पता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है तो कैसा होगा, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। ओके तो देखिए a1 अपॉन a2 लिखते हैं, c अपॉन 6 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 माइनस माइनस वन अपॉन माइनस टू। ओके माइनस वन अपॉन माइनस टू सी वन अपॉन सी टू यानी टू अपॉन थ्री। ओके अब यहाँ पर आप देखिए ये कितना मिल रहा है, मैं 1/2 और ये 2/3, तो ये नॉट इक्वल टू आ रहे हैं, तो हमें ऐसा मिल रहा है ना, सी अपॉन सिक्स इज इक्वल टू 1/2 2/3, तो ये नॉट इक्वल 1/2 और 2/3 ये नॉट इक्वल, इसका मतलब सी की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए ये तीनों ही टर्म्स कैसे हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, नो वैल्यू। ओके नो वैल्यू यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन करते हैं, वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज -5x + 7y इज इक्वल टू 2 द सेकंड इक्वेशन कैन बी, ये हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ में बोला हुआ है वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन, अब हमें मालूम होना चाहिए डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो गिवन है अगर उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं तो उन लीनियर इक्वेशन को क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन। ओके अब यहाँ हमें उसमें से एक इक्वेशन दी हुई है और दूसरी हमें बतानी है, अब क्योंकि ये डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन है इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे ये, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। ओके तो हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए ए वन कितना होगा, -5, इसको हम इन ऑप्शन के साथ वेरीफाई करवाते हैं, इनको सेटिस्फाई करवाते हैं। ओके देखिए -5 ए वन अपॉन ए टू, तो फर्स्ट ऑप्शन अगर लेते तो -5 अपॉन 10 यानी -1/2 आ रहा है। ओके
यहाँ पर देखिए बी वन अपॉन बी टू यानी 7/14 यहाँ प्लस 1/2 आ रहा है, तो ए वन अपॉन ए टू कितना है माइनस 1/2, बी वन अपॉन बी टू कितना आया प्लस 1/2, तो ये तो इक्वल हो नहीं रहे हैं। ओके, तो पहला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अब सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो माइनस 5/-10 प्लस 1/2, 7/-14 माइनस 1/2 प्लस 1/2 इज नॉट इक्वल टू माइनस 1/2। ओके, तो ये इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो सेकेंड ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं तो माइनस 5/-10 1/2, 7/14 1/2, यहाँ ध्यान दें तो ये 2 राइट साइड में, इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, तो माइनस 2/4 तो माइनस 1/2। तो देखिए a1/a2 कितना आ रहा था 1/2, b1/b2 कितना आ रहा था 1/2, और c1/c2 कितना आ रहा माइनस 1/2, तो ऑप्शन सी भी कैंसिल हो गया, तीनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। अब ऑप्शन डी सही होगा, और एक बार हम चेक कर लेते हैं, माइनस 5/10 यानी कितना आ गया माइनस 1/2, 7/-14 माइनस 1/2, 2/-4 माइनस 1/2, यहाँ पर दोनों ही कांस्टेंट क्या है राइट साइड में है। ओके, तो यहाँ पर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा करेक्ट होगा। 10th क्वेश्चन देखते हैं। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज अ यूनिक सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू माइनस 3 इज, ये हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अब यहाँ बताना वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बताना जिसके लिए x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू माइनस 3 एक यूनिक सॉल्यूशन हो। ओके, अब देखिए इसमें हमें पता है कि यहाँ यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहा है, और यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो सबसे पहले तो हम इसमें वो चेक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें a1/a2 यानी 1/2, और यहाँ पर कितना है 1/-3 यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी फर्स्ट जो ऑप्शन है उसके यूनिक सॉल्यूशन हो सकते हैं। ओके, सेकंड की बात करें 2/4 यानी 1/2, 5/10 यानी 1/2। अब यहाँ पर हमें a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 यानी इसके यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं होंगे, तो हमारा ऑप्शन बी तो पहले ही गलत हो गया। ओके, ऑप्शन सी की अगर बात करें तो देखिए 2/3 माइनस 1/2, यहाँ भी हमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 मिल रहा है। यहाँ देखिए 1/5 माइनस 4/-1, तो यहाँ भी हमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 मिल रहा है। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो हमें वैल्यूज दी हुई है x इक्वल टू और y इक्वल टू माइनस 3, हम इन्हें ऑप्शन में पुट करेंगे, और जिन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा वही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, तो अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो x की जगह हम 2 पुट कर रहे हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा 2, और y की जगह माइनस 3, तो 2-3 ये कितना मिल रहा है हमें माइनस 1, और यहाँ भी हमें माइनस 1 दिया हुआ है, यानी पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी में x की जगह 2 पुट करते हैं तो कितना मिलेगा 4, y की जगह माइनस 3 पुट करेंगे तो प्लस 9 मिल गया, 9+4=13, और जबकि यहाँ हमें माइनस 5 दिया है, तो सेकेंड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी ऑप्शन ए भी हमारा क्या हो गया रॉन्ग हो गया, गलत हो गया, ऑप्शन बी पहले ही गलत हो चुका है। ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ रखेंगे x की जगह 2, तो 2×2 कितना मिला हमें 4, y की जगह माइनस 3 पुट किया तो प्लस 3 मिल गया, 4+3=7 मिलना चाहिए, जबकि यहाँ हमें 1 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है फर्स्ट इक्वेशन को, यानी ऑप्शन सी भी हमारा क्या हो गया गलत हो गया, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। और उसको एक बार हम चेक कर लेते हैं, x की जगह 2 पुट किया या गए 2, y की क्या रखा है माइनस 3, तो कितना हो जाएगा 4×3=12 या गए 12 माइनस 14, ये देखिए 12+2=14 माइनस 14 0 जो कि हमें दिया हुआ है। दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं तो कितना मिल जाएगा 5×2=10 और ये आ जाएगा प्लस 3 और माइनस 13, तो 13-13 0 जो हमें दिया हुआ है, इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है हुआ। ओके, अब इस क्वेश्चन में हमें ध्यान ये रखना है, अगर हमने ये पहले चेक ना किया होता a1/8 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, उसके अगर हम डायरेक्ट वैल्यू रख के चेक करते तो जो ऑप्शन बी है उसको x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू माइनस 3 भी सेटिस्फाई करेंगे। कैसे, यहाँ पर देखिए अगर ध्यान से, तो यहाँ पर क्या मिला 2/4 यानी 1/2, 5/10 1/2, माइनस 11/-22 1/2, a1/8 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये किसकी कंडीशन है, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन, यानी इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होंगे जिसमें से एक सॉल्यूशन x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू माइनस 3 भी होगा जो कि इसको सेटिस्फाई करता। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है यूनिक सॉल्यूशन के लिए, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए 11th क्वेश्चन करते हैं।
If x is equal to a, y is equal to b is the solution of the equations x minus y is equal to 2 and x plus y is equal to 4. Then the values of a and b are respectively, first option is 3 and 5, second is 5 and 3, third option is 3 and 1, fourth option is minus 1 and minus 3. तो मैं यहाँ पर दो इक्वेशन दिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, जिनके सॉल्यूशन क्या x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू b. तो हमें a और b फाइंड करना है. ओके, देखिए क्या इक्वेशन दिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और दूसरी इक्वेशन दिए हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. ओके, सपोज ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 है. अब इनको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं इन दोनों इक्वेशन को. अब इनको ऐड करेंगे तो x प्लस एक्स कितना मिल गया 2x, और ये माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, 4 प्लस 2 कितना मिल गया राइट साइड में 6. तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें 3, तो x की वैल्यू मिल गई हमें 3. अब इसको उठा के हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं. ओके, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो देखिए x के 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें 1. तो x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा. ओके, 12th क्वेश्चन है, अरुणा हैज 1 रुपीस एंड 2 रुपीस कॉइन विथ हर. इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन दैट सी हैज इज 50 एंड द अमाउंट ऑफ मनी विथ हर इज 75 रुपीस, देन द नंबर ऑफ 1 रुपीस कॉइन एंड 2 रुपीस कॉइन आर रिस्पेक्टिवली. अब देखिए यहाँ क्या बोला हुआ हमें कि जो अरुणा है उसके पास 1 रुपीस और 2 रुपीस के टोटल 50 कॉइन्स है, और वो टोटल अमाउंट वो कितना हो रहा है, 75 रुपीज हो रहा है. तो हमें बताना है कि 1 रुपीज और 2 रुपीज के नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं. ओके, तो देखिए सपोज हम मान लेते हैं कि जो 1 रुपीज का कॉइन है वो कितने नंबर में x कॉइन है, और जो 2 रुपीज वाले कॉइन है ओके वो कितने कॉइन है, वो टोटल y कॉइन है. तो यहाँ पर x प्लस वाई टोटल कितने कॉइन दिए हुए हैं, 50 कॉइन दिए हुए हैं, उनकी वैल्यू कितनी हो रही है, 75 रुपीज. तो x जो कॉइन है 1 रुपीज के, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 into x, और जो 2 रुपीज के टोटल कॉइन कितने हैं y, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 into y, और ये इसका टोटल सम कितना दिया हुआ है हमें, 75 दिया हुआ है. ओके, तो ये देखिए हमें एक इक्वेशन 1 मिल गई और ये इक्वेशन 2 मिल जा रही है. अब इसको हमें सॉल्व कर लेना, तो हम इक्वेशन 2 में से 1 को सबट्रैक्ट कर देते हैं. ओके, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो देखिए यहाँ पर x x कैंसिल हो जाएगा, 2y में से y सब्ट्रैक्ट हुआ तो y आ गया, 75 में से 50 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया, 25. यानी ये 2 रुपीज के कॉइन कितने हैं, वो 25 है, और क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 था, तो यहाँ से देखिए x भी हमें कितना मिल जाएगा, x भी मिल जाएगा हमें 25. यानी दोनों जो कॉइन है कितने कितने हैं, 25 25 कॉइन है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा. चलिए 13th क्वेश्चन करते हैं. द फादर्स एज इज 6 टाइम हिज सन्स एज 4 ईयर हेंस द एज ऑफ द फादर विल बी 4 टाइम्स हिज सन्स एज. द प्रेजेंट एज इन ईयर ऑफ द सन एंड द फादर आर रिस्पेक्टिवली. फर्स्ट ऑप्शन है 4 and 24, सेकेंड है 5 and 30, थर्ड ऑप्शन है 6 and 36, फोर्थ है 3 and 24. अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि जो फादर की प्रेजेंट एज है वो सन के कंपेयर में कैसी है, 6 टाइम है. 4 साल बाद वो कैसी रह जाएगी, 4 टाइम्स रह जाएगी. तो हमें उनकी प्रेजेंट एज बताना है. ओके, अब क्योंकि ये देखिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, तो हम इसको ऑप्शन से करने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को. ओके, तो सबसे पहले तो क्या बोला है कि जो फादर की प्रेजेंट एज है वो कैसी है, 6 टाइम है सन की एज के कंपेयर में. अब लास्ट में देखिए जो हमें आंसर पूछ रहा है वो क्या बोल रहा है, सन एंड द फादर एज रिस्पेक्टिवली. यानी पहले हमें सन की एज दी हुई है, देन फिर फादर की एज दी हुई है. तो पहले क्या बोल रहा है, 6 टाइम है, यानी ये फादर की एज है, इस सन के कंपेयर में देखे जा रहा तो 6 into 4 into 6 24. तो पहला ऑप्शन तो हो सकता है आंसर हमारा. अभी दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा. यहाँ पर देखिए 5 into 6 कितना हो रहा, 30, 6 into 6 36, यहाँ पर 3 into 6 करते तो कितना आता, 18 आता, जबकि यहाँ 24 दिया है. मतलब डी ऑप्शन तो हमारा पहला गलत हो गया ये पहली कंडीशन में. दूसरी बात वो बोल रहा है 4 साल बाद, है ना, 4 ईयर हैंस द एज ऑफ द फादर विल बी 4 टाइम द सन्स एज. ओके, तो 4 साल बाद इनकी एज कितनी होगी, अगर हम पहले ऑप्शन से देखें तो देखिए ये कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, और सन की एज हो गई 8 ईयर और फादर कितनी हो गई, 28 ईयर. तो देखिए 8 ईयर 28 ईयर, ये 4 टाइम हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया. तो ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा. बी में देखिए 4 साल बाद कितने हो जाएगा, 9 ईयर का सन हो जाएगा. ओके, और ये कितने हो जाएंगे, 34 ईयर के. तो ये उसका 4 टाइम है क्या, नहीं है. ओके, तो ये भी गलत हो गया. इसमें देखिए 4 साल बाद ये कितना हो जाएगा, 10 ईयर, और ये कितने के हो जाएंगे, 40 ईयर.
तो 10 × 4 = 40, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन सी।